वक्त की बड़ी खबर का हरियाणा के गृह मंत्री के घर के बाहर से हथियार बरामद हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसानों के बीच से तलवारें मिली हैं। पुलिस ने तलवारें बरामद की है। आरोपी हिरासत में ले गए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर से प्रदर्शनकारियों के पास से ये तलवारें बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने तलवारें बरामद की गई है। आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और इस वक्त पूरी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत गंभीर खबर है कि हथियारों के साथ प्रदेश के गृह मंत्री के घर के बाहर क्या कर रहे थे लोग, ये बड़ा सवाल है और इसीलिए पुलिस इस वक्त जांच कर रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज और उन्हीं के घर के पास ये हथियार मिले हैं और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में ये हथियार थे, लेकिन क्यों हथियार रखे थे, बड़ा सवाल। बड़ी खबर ये भी है क्योंकि ये दावा किया जाता है किसान अपना प्रदर्शन शांति से करते हैं तो फिर हथियारों की जरूरत क्या थी। और मामला इसलिए भी गंभीर है राजू क्योंकि गृह मंत्री के घर के बाहर से हथियार बरामद हुए हैं। सिक्योरिटी क्या कर रही थी, वहां के जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही थी कि किसान आते हैं हथियार लेते हैं और गृहमंत्री के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। बहुत बड़ी चूक है ये। बिल्कुल, मामला दर्ज हो गया, जांच जारी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के अंबाला कैंट निवास के बाहर प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसानों के बीच शरारती तत्वों से तलवारें बरामद हुई हैं, ये जानकारी मिली। वही बीजेपी के अंबाला मंडल प्रधान ने गृह मंत्री अनिल विज के निवास की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और बताया कि बुधवार शाम को कुछ शरारती तत्व ने मंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश भी की थी जिसको पुलिस ने नाकाम किया था। तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, शरारती तत्वों ने और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पथराव के बाद पुलिस कार्रवाई में किसानों की गाड़ियों में से तलवारें बरामद की गई है। किसानों ने इस पूरे मामले को दर्ज होने पर जीटी रोड पर जाम भी लगा दिया है जिसे पुलिस ने खुलवाया और पुलिस ने ये मांग की है कि जो भी शरारती तत्व इस वारदात में शामिल है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो किसान अब कह रहे हैं कि ये तो शरारती तत्व थे। हर बार ऐसा होता है, 26 जनवरी का वो वाक्या याद करिए, उस वक्त भी यही कहा गया था, उस वक्त भी ऐसी तलवार निकली थी और वो तलवार गर्दन पर थी हमारे जवान के और उसके बाद क्या कहा गया कि ये शरारती तत्व आ घुसे थे। सवाल ये है कि जो इसको लीड कर रहा है वो कैसे शरारती तत्वों को घुसने देता है, शरारती तत्वों के आड़ में ये हथियार यहाँ पर, और कहा जाता है शरारती तत्व और पुलिस ने जो अब मुकदमा लिखा है और जो अब आने वाले वक्त में गिरफ्तारी होंगी, एक बार फिर से मामले में राजनीति देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले ये विजुअल्स, ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं कि किसान जो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन भीतर भीतर तलवार का क्या काम। और इस बड़ी खबर बातचीत रुक करते हैं, गुरप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, आखिर सुरक्षा में चूक हुई कैसे, गृहमंत्री के दरवाजे पर तलवारें पहुंच गई? जी बिल्कुल, इस बात की जो तहकीकात है और पुलिस को कंप्लेंट दी गई है, देखा गया क्योंकि काफी दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन ऐसे हथियार मिलना जो गृह मंत्री के घर के बाहर एक सुरक्षा में बड़ा सवाल चिन्ह है, जिस बात को लेके ना कि गृह मंत्री बल्कि भाजपा के और भी नेता इस बात को बार बार उठा रहे हैं और जो लोकल पुलिस है उसको इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है। उन्हें बोला गया है कि ये पता किया जाए कि ये प्रोटेस्ट में इन चीजों की क्या जरूरत थी, क्यों ये हथियार लेके लोग आए और क्या कारण था और क्या मंशा थी, क्योंकि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद पुलिस बता पाएगी कि क्या कारण था, क्यों ये हथियार लेके घूम रहे थे और क्या मंशा थी और क्या करना चाहते थे। ठीक है गुरप्रीत, आप नजर रखिए, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे अगली खबर।